नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वैशाली जिले के तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। बिहार के सभी 243 सीटों पर भारतीय सब लोग पार्टी चुनाव लड़ेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने वैशाली के चिंतामणिपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने वैशाली विधानसभा क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी अरुण सिंह को अपनी पार्टी का उम्मीदवार के रूप में उनकी घोषणा भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि उच्चतम राजनीति में उच्चतम आदर्श ध्वस्त हो रहे हैं। नेता के गुणों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि धन बल नहीं, इसके लिए चरित्र होना चाहिए। किसान की समस्या पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि FCI बंद है, उसका कारण है कि अनाज की खरीद बिक्री नहीं हो रही, बिचौलिए पूरी तरीके से हावी हो चुके हैं। आज बिहार में किसान पूरी तरीके से बदहाल है। सत्ता के लिए लोग अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना चुके हैं, अपने कहे के चरित्र को पूरी तरीके से गिरा चुके हैं। दलित कार्ड के बारे में उन्होंने कहा कि जब कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने उस दौरान काफी छुआछूत की स्थिति थी और उसके बावजूद उन्होंने अपने साथ दलित और महादलित समुदाय के लोगों को देवघर मंदिर में अपने साथ ले गए थे। तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे और चुनाव में 243 सीट पर चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा भी की है। सारी राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लिए सिर्फ राजनीति कर रही हैं, सत्ता उसके चिंतन के केंद्र में है। इसलिए जिन जिन लोगों से ये लोग डील किए हैं भाई, अति पिछड़ा के नेता अभी तक तो नीतीश कुमार थे, मुकेश सहनी अब हुए हैं, तो पिछड़ा का नेता जब हुए हैं अति पिछड़ा का, हम तो तेजस्वी यादव भी क्लेम करते हैं कि हम अति पिछड़ा के नेता हैं, तो कौन नेता हैं ये तो फैसला मुकेश सहनी यदि समझते हैं कि पीठ में छुरा भोंका गया है तो स्वतंत्र रूप से जैसे मैंने आगाज किया है आगाज करें। वैशाली पुलिस ने डाबर कंपनी का डुप्लीकेट माल तैयार करने वाली फर्जी कंपनी का खुलासा किया है। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली माल एवं पैकिंग मशीन के साथ भारी मात्रा में रैपर भी बरामद किया है। इसके साथ ही धारा 468 20 और धारा 63 के तहत कॉपीराइट एक्ट में मामला भी दर्ज किया गया। मौके से धंधेबाज पिंटू कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर ने सूचना दी थी कि वैशाली के आसपास किसी मकान में डाबर कंपनी का डुप्लीकेट माल तैयार हो रहा है। इसकी सूचना के आधार पर असिस्टेंट मैनेजर को साथ लेकर पुलिस ने वहां छापेमारी की और धंधेबाज सहित कई सारे नकली सामान भी बरामद किए। डाबर का डुप्लीकेट केसी है, डाबर का गुलाब जल है, रैपर है और पेस्ट है जो डुप्लीकेसी पाया गया है। हम लोग को गुप्त सूचना से पता चला था कि यहाँ वैशाली में रेती में डुप्लीकेसी हो रहा है, तो हम लोग गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग छापामारी किए, उसमें डाबर का डुप्लीकेसी पकड़ाया है गुलाब जल। कितने का माल होगा लगभग? लगभग 80-85 हज़ार का तो माल होगा। चुनाव के मद्देनजर वैशाली पुलिस निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रही है। वैशाली SP ने बताया कि 4500 व्यक्तियों को बॉन्ड ऑन किया गया है, वहीं 12000 लोगों पर धारा 107 के तहत कार्रवाई की जा रही है, वहीं 130 व्यक्ति पर CCA की अनुशंसा की गई है, जिसके बाद इस पर भी कार्रवाई की जाएगी।
कुल मिलाकर कहा जाए कि चुनाव को पूरी तरीके से निष्पक्ष कराने के लिए वैशाली पुलिस ने कमर कस ली है। वहीं एसपी ने बताया कि बाहर से भी कई सारी कंपनियां आएंगी जो चुनाव के दौरान देखी जाएंगी और इसकी शुरुआत हाल के दिनों में भी स्थानीय लोगों को फ्लैग मार्च के जरिए देखा जा सकता है। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है लेकिन 4000 से ज़्यादा लोगों को बाउंड डाउन कर दिया हम लोगों ने और 12000 से लोगों पे 107 ही कार्रवाई कर दी। लगातार कैंपोर्ट्स चल रहे हैं और उन लोगों को बाउंड डाउन किया जा रहा है। 130 प्रपोजल्स हम लोगों ने भेज रखे हैं सीसीए के, जिन पर डीओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो डीएमएम हैं उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोग हैं सर जिनके सीसीए लगाए गए हैं? ये ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा शांति भंग होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। पहले से चार्जशीट टूट रहे हैं या जिस इलाके में जिन टोलों में रहते हैं वहाँ इनकी वजह से मतदान प्रभावित होने की समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता। जी, जो मैंने आपको बताया ये 107 जो हम कर रहे हैं वल्नरेबल टोले हैमलेट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिन लोगों को ऐसे दिक्कत हो सकती है उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, प्रलोभन देने के लिए चाहे मतलब कैश का जो अनड्यू मूवमेंट हो या फिर शराब की बात हो उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये सब चुनाव की तैयारियों में ही आता है। वारंटीज मतलब हम लोग लगातार साल की शुरुआत से इस जिले में अभियान चल रहा है, उसके बावजूद भी जितने वारंटीज या तो बचे हुए हैं उनके धरपकड़ के लिए भी अब स्पेशल टीम्स आ चुकी हैं और जो हमारे पास फोर्सेज आई हैं उनका भी उपयोग किया जाएगा। तीन दिन पूर्व देसरी थाना क्षेत्र के मुरवतपुर में घर में ही लटके मिले 50 वर्षीय व्यक्ति के शव मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। वैशाली एसपी ने बताया कि उनके भाई ने आरोप लगाया है कि इस हत्या में उनकी पत्नी और उनका बेटा ही शामिल है। फिलहाल दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।